तो गाइज आपको एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए आप भी YouTube पर काम करने की सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि YouTube की तरफ से मेरी ये थर्ड पेमेंट आई हुई है। आपको दिखा दें ये फॉरेन टैक्स भी कटा है कि मतलब आपके इतने रुपए आए हैं इसका हमने इसका टैक्स काटा है। 25 तारीख को आ गई थी पेमेंट लेकिन वीडियो थोड़ा लेट बन रहा और 2-3 दिन से आपको वीडियो भी देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी। तो आप देख लीजिएगा ये रहा, अभी आपको और भी बता देंगे। तो आप लोगों को डाउट रहता है कि YouTube आपको रुपए देता है या नहीं देता है, देता है तो किस हिसाब से देता है, या आपको सब्सक्राइबर के जितने सब्सक्राइबर उस हिसाब से देता है, या जितने व्यू आते हैं उसके हिसाब से देता है, या जितने एड आते हैं उसके हिसाब से देता है, या तो आप वीडियो जितने अपलोड कर दिए उसके हिसाब से देता है। तो ये वीडियो देखिएगा पूरा, इसमें क्लियर करने वाले किस तरीके से यूट्यूब आपको रुपए मतलब प्रोवाइड कराता है, क्या इनका सिस्टम होता है और हमें अभी ये जो थर्ड पेमेंट आई है कितनी मिली है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाली थी। ये वीडियो पूरा देखिएगा और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में आपको बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए जिससे मेरा कोई वीडियो आता आपके तक पहुंचेगा। देखिए आप सबसे पहले तो दिमाग में ये रखिएगा कि आप किसी के भी सब्सक्राइबर देखते हैं और आप देखते हैं कि उसके 100 के सब्सक्राइबर हैं और आप तुमने ये मान लिया कि इनके रुपए इतने आते होंगे, अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपने सब्सक्राइबर देखने के साथ साथ आप उनके व्यू भी देखने पड़ेंगे क्योंकि सब्सक्राइबर से आपका चैनल बड़ा होता है और जो आपकी पेमेंट डबल करेगा वो आपके व्यू है। आप कभी भी देखना जिस चैनल के व्यू कम से कम 30-40 हजार आ रहे हैं तो मतलब बहुत अच्छी इनकम हो रही है, और जिसके 1K 2K आ रहे हैं तो मतलब नॉर्मली है उसकी इनकम 9 से 10 हजार रुपए और इससे ज्यादा नहीं हो पाई, वो भी 2 या 3 महीने बाद आपको पेमेंट मिलेगी। YouTube का एक एल्गोरिदम होता है कि इतने डॉलर होने के बाद हम आपको पेमेंट आपके अकाउंट में प्रोवाइड करा दें और आपको कुछ भी नहीं करना होगा। जब आपका एडसेंस अकाउंट बनता है उसमें ऐड होता है और बैंक ऐड हो जाती है फिर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। 21 तारीख को आपको ट्रांसफर कर दे, 21 से 28 के बीच में आपके रुपए आपके अकाउंट में बिल्कुल हिफाजत की तरीके से पहुंच जाएंगे क्योंकि ये होता है। और अभी तीसरी जो पेमेंट आई सेम यही हुआ, 21 को तो मतलब उन्होंने ट्रांजेक्शन नहीं किया, 22 को उन्होंने मेरे वहां से भेज दिए, 22, 23, 24, 25 तारीख तक मेरे अकाउंट में आ गए। फॉरेन टैक्स 45 रुपीज ओनली कटा है, ठीक है। तो ये इतना रहता है इनका, अभी आगे और बताएंगे। तो आपको हम क्या बता रहे थे कि जो भी जितने भी व्यू आते हैं व्यू के हिसाब से रुपए दिए जाते हैं और उसके साथ साथ स्पॉन्सर भी आती है। जैसे अभी हम स्पॉन्सर के तो मैसेज आते हैं बहुत लेकिन अभी हम कर नहीं रहे क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा ऐप जो मतलब इलीगल वैसा हो कि जो लोगों को गलत इन्फॉर्म दे या गलत चीजें सिखाए वो हम मतलब ऐड करने की कोशिश नहीं करते हैं। जो एक्चुअल में जरूरी है वो ऐड आते हैं तो जरूर करेंगे, जैसे कि कोई नॉलेज का हो गया या कोई ऐप एजुकेशनल रिलेटेड हो गया उसके नुकसान करने में सही रहता है, कोई ये गैम्बलिंग का है किसी कसिनो का है तो ये तो बेकार भी रहेंगे, तो इसलिए हम वो ऐड नहीं करते मतलब स्पॉन्सर आते वो नहीं करते। स्पॉन्सर में भी बहुत रहता है कि आपको 5 से 5 हजार से लेकर 10 हजार 15 हजार इस तरीके से आपको स्पॉन्सर मिल सकते हैं। तो आपने जो व्यू देखे हैं जो जहाँ थे वहीं आते हैं, जो आपने व्यू देखे हैं तो व्यू जैसे 30 से 40 हजार तो बहुत अच्छी उसकी इनकम है, 5 से 6 व्यू आ रहे तो यानी 10 से 15 हजार रुपए नॉर्मली उसे मिल रहे हैं और 5-6 हजार उसका वो स्पॉन्सर कर रहा है वो अलग, तो इस हिसाब से चलता है। और आपके जैसे सब्सक्राइबर जितना मैन नहीं करता है, जितने मैन करते हैं व्यू, जैसे व्यू आएंगे उस हिसाब से आपको पेमेंट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अभी बैंक से तो रुपए निकाले नहीं थे आपको हमने दिखा दिया और आपको ट्रांजेक्शन वो भी दिखा देते हैं जो डॉलर में एडसेंस अकाउंट बनाता है, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा धुंधला कर दिया, यहाँ से इन्होंने भेज दिए गए कुछ 100 से ऊपर डॉलर थे, 9 से 10 हजार के आसपास बने क्योंकि अभी ऐसा है व्यू डाउन रहेंगे तो पेमेंट भी डाउन रहेगी, जिस टाइम व्यू बढ़ेंगे उस टाइम आपकी पेमेंट भी बढ़ेगी स्पॉन्सर्ड भी बढ़ेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो जितने लोग यूट्यूब पर काम करने की सोच रहे हैं कि यूट्यूब हमें रुपए देता या नहीं देता, तो एक्चुअल में आपको यूट्यूब रुपए प्रोवाइड कराता है लेकिन एक नियम कायदे से चलेंगे, तब आपका चैनल 4000 घंटे का वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइबर, कोई भी गाइडलाइन स्ट्राइक ना होनी पाए, जब आपका चैनल मोनेटाइज के लिए जाएगा वहां से मोनेटाइज होने के लिए चला गया, वहां से जब आएगा फिर आपको बोलेगा कि एक्शन अकाउंट बनाइए, वो एक्शन अकाउंट सिर्फ एक बार बनता है आपकी जिंदगी में, दोबारा नहीं बन सकता है, सोच समझ के बनाना होता है, उसमें आपको अपना बैंक ऐड करना होगा, उसके बाद आपको पेमेंट डे बाई डे महीने टू महीने मिलने लगती है। जैसे जनवरी की पेमेंट वो फरवरी के 10 तारीख को ऐड करेगी, ऐड होगी और आपके फरवरी में 100 डॉलर हो गए तो आपको 21 तारीख के आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, 21 तारीख यानी 10 तारीख को ऐड होंगे आपके एक्शन अकाउंट में और 21 तारीख को 100 डॉलर हो गए तो आपके अकाउंट में प्रोवाइड कर दे। जैसे 100 डॉलर नहीं होते, जैसे 30-40 हुए तो नहीं होंगे, जब तक उसमें 100 डॉलर जैसे होंगे ऑटो कट लगेगा, हाल आपको प्रोवाइड। अब जैसे आपके 200 हो गए एक ही महीने तो 200 हाल कर देगा, मतलब 100 से ऊपर रहना चाहिए हर महीने डॉलर, तो आपको महीने टू महीने पेमेंट मिलेगी।
आपके 3 महीने में $100 हो रहे तो 3 महीने बाद मिलेगी, 2 महीने में हो रहे तो 2 महीने बाद मिलेगी, इस तरीके से चलता है। और जितने भी लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाने की सोच रहे हैं तो हम आपको क्लियर कर दें कि आप जो भी बना रहे हैं एक्चुअल में सही से काम कीजिएगा, और ध्यान रखिएगा कि एकदम मत आना और पूरी चीजें एकदम मतलब दिन रात मोबाइल पे ही नहीं रहना कि ये करना वो करना, एक्चुअल में जितना काम हो उतना ही करना, उसके बाद फोन को अलग कर देना, जो अपना काम है वो कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में होता है ये भी कर लें वो भी कर लें, धीरे धीरे दिक्कतें बढ़ जाती हैं, तो इस चीज पे भी आपको थोड़ा फोकस करना होगा, तभी आपको देखा होगा 2 से 3 दिन में आपको वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। तो बस वीडियो यही था, और जो जितने लोग वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं या वीडियो बना रहे जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो उनके लिए हम ये थोड़ा बताना चाहेंगे कि रुपए आपको मिलेंगे, बस आपको अपनी एक्चुअल सही से मेहनत करनी होगी, आपकी अपनी खुद के वीडियो डालने होंगे और कुछ चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा सीखनी होगी। जब आप चीजों को ज्यादा सीखेंगे यूट्यूब ऑटोमेटिक आपको पेमेंट देना स्टार्ट कर देगा, आपके 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं तो चैनल मोनेटाइज हो जाता है, उसके बाद डॉलर के हिसाब से मिलते हैं। कम से कम टैग चैनल हो, अब तो महंगाई मतलब ज्यादा ही होगी तो आप तो रुपए का सिस्टम समझ रहे हो, कहीं कम से कम 4000 या 3000 व्यू आते हैं तब जाके कहीं $1 से थोड़ा कम रहता तब वो बनता है। पहले क्या होता था 2000 पे $1 मिल जाता था, अब ऐसा नहीं है, कम से कम आपको 3-5 हजार व्यू आते तब जाके कहीं $1 यानी आपको 80-79 रुपए आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप भी YouTube पर काम करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल आइएगा, बस आप कुछ चीजों को सावधानी रखिएगा कि एकदम मत आइए कि पूरा डिपेंड YouTube पर हो गए डायरेक्ट, 2 से 3 साल लग सकते हैं आपके चैनल को ग्रो होने में, क्योंकि अभी सही तरीके से मेरा भी अभी चैनल चल रहा है लेकिन इतना परफेक्ट तरीके से ग्रो नहीं हुआ है कि जो हाँ हम कह सकें कि ये मेरा चैनल अब अच्छे से चल रहा है, लेकिन अभी उस पोजिशन पे है कि चल जाएगा। तो आपको यही बताना चाहेंगे कि आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहिएगा, इसको साइड में रखिएगा, धीरे धीरे आपका भी चैनल चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरी थर्ड पेमेंट थी, फर्स्ट भी आई थी, सेकंड वाई ये थर्ड आई हुई, यही आपको बताना था। वैसे रुपए दिखा देते, रुपए तो बैंक में ही तो निकाल नहीं पाए, मैंने सोचा वीडियो बना दिया जाए क्योंकि इससे पहले 4 दिन हो गए आपको वीडियो भी प्रोवाइड नहीं हो पाए और कॉल भी आएगी सर आपकी वीडियो नहीं आ रही, तो आपको हमने इसीलिए ये वीडियो बनाया। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा है उस पर प्रेस कर लें जिससे मेरा कोई वीडियो आता है आप तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।